हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आल्सो योर हैप्पी फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन बाय एकेसे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल टीच यू रेस्ट पार्ट या नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दैट वीडियो विल बी बिलोंग टू द ट्रांसलेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अर्थात आज हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का शेष भाग पढ़ाएंगे, जो पिछले वीडियो हमने डाला था उसके आगे हम आपको बताएंगे। अर्थात आज की वीडियो में स्पेशल यही बताएंगे कि यदि दिया गया वाक्य प्रश्नवाचक हो तो इसका अनुवाद कैसे बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि यदि आप नए विद्यार्थी हैं और पहली बार हमारे चैनल के थ्रू स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपका कोई भी दोस्त साथी अगर कहीं मान लीजिए पढ़ाई का प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उसे बता दीजिए कि भाई ये कुछ चैनल है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय एकेसी, इसको तुम भी सब्सक्राइब कर लो और जो भी वीडियो बनेगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा और आप घर पर आकर के अपनी पढ़ाई को कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर इसके साथ भी अगर आप कुछ चाहते हैं कि सर कुछ मटेरियल सर कुछ बनाने के लिए, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड किया है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आपको भी इच्छा करे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अटैच हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 95 25 39 90 13। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके और पढ़, जब भी आपको स्टेप दिया जाता है या दिया जाएगा आप उसको घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपकी पढ़ाई पर थोड़ा सा भी इफेक्ट ना पड़े। ओके, थैंक यू। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और हम सभी आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद ही वीडियो को या मोबाइल को स्टॉप कीजिए। हाँ, जब भी वीडियो देखिएगा तो पूरा माइंड को कंसंट्रेट करके और एक बार में पूरा वीडियो कंप्लीट हो उस तरह से जैसे आप क्लास में स्टडी करते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज का जो वीडियो बनेगा वो स्पेशल इंटरोगेटिव बनेगा। और हमने बताया है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको स्पेशली तीन स्टेप में ही लेकर के चलना पड़ता है। तीन स्टेप में लेकर के चलना पड़ता है, उसमें से एक को बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव। अब आप कहीं एक साथ थोड़ा सा हिंट कर दीजिए सिंगल इंटरोगेटिव क्या होता है। तो बस हिंट के नाम पर हम आपको ये बता सकते हैं कि जब भी हम दिए गए वाक्य के शुरू में अंग्रेजी का यदि वाक्य हो और जो शुरू में सहायक क्रिया इज एम आर वाज वेयर हैज हैव कैन कुड मे माइट मस्ट मी डेयर आउट टू यूज टू कुछ भी अगर हम लोग लिखते हैं तो वो होता है सिंगल इंटरोगेटिव। अर्थात सिंगल इंटरोगेटिव का सबसे बड़ा वर्क यही है कि यह हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है। और अगर हिंदी का बात किया जाएगा तो हमेशा क्या से स्टार्ट, अगर हिंदी का बात किया जाएगा तो हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, और अगर इंग्लिश का बात किया जाएगा तो सहायक क्रिया को हमेशा कर्ता से ठीक पहले लिखा जाता। और हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किसके साथ हैज होता है और किसके साथ हैव होता है। यदि सिंगल करता हो तो हैज, अगर प्लुरल करता हो तो है। तो ये है सिंगल जो सहायक क्रिया से स्टार्ट हो। अब सर डबल क्या होता है, तो डबल वैसे सेंटेंसेस होते हैं जो अंग्रेजी का यदि वाक्य होगा तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, वेयर को हमने पहले रखा। अगर हिंदी का वाक्य रहेगा तो वही प्रश्न बीच में रहेगा, जैसे वे लोग विद्यालय कब जा चुके हैं, वे लोग विद्यालय कब जा चुके हैं। यहाँ पर कब, कब इज द क्वेश्चन वर्ड व्हिच हैज बीन कम इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। अर्थात जो कब है वो क्वेश्चन वर्ड है और यह वाक्य के बीच में आया हुआ, जैसे वे लोग कब खाना खा चुके हैं, कब वे लोग के बाद है। तो है डबल इंटरोगेटिव। एक आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, तो देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब ये होता है कि ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न भी हो और साथ में नॉट भी हो, तो
ऐसे वाक्यों को बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे वह गेंद क्यों नहीं खेल चुका है, वह विद्यालय कैसे नहीं जा रहा है, क्या तुम गेंद नहीं खेलोगे, क्या तुम्हारे पिताजी एक किसानी का कार्य नहीं करेंगे। मतलब कि प्रश्न भी हो और साथ में नॉट भी। तो ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये है सिंगल इंट्रोगेटिव और ये है डबल इंट्रोगेटिव। बोलिए तीनों क्या होता है, आपको दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? ओके नाइस। अब अगेन आई रिपीटेड सिंगल इंट्रोगेटिव, जैसे क्या वह पढ़ रहा है, इज ही लाइक, क्या तुम टहलते हो, डू यू वॉक, क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन फूड। इफ वी टॉक अबाउट द डबल इंट्रोगेटिव, तो डबल इंट्रोगेटिव मींस सच, जैसे तुम विद्यालय कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू अ स्कूल, तुम खाना कब खाओगे, व्हेन विल यू ईट फूड, तुम घर कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू हाउस। तो दिस इज द डबल इंट्रोगेटिव। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इट मींस तुम गांव क्यों नहीं जा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू विलेज, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू नॉट रीडिंग बुक, तुम्हारे पिताजी आज विद्यालय क्यों नहीं आ पाएंगे, व्हाई विल योर फादर नॉट कम एट द स्कूल, आप आएंगे या आएंगे। तो ऐसे ये है सिंगल, ये है डबल और ये है इंट्रोगेटिव प्लस। यहां तक एनी डाउट? ओके नाइस। अब हम लोग यहां से स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको इसका अनुवाद बनाने का एक साधारण सहारा कम लेते हैं, जैसे स्ट्रक्चर फॉर सिंगल इंट्रोगेटिव। अब ये हमारा सब्जेक्टुअल लैंग्वेज हो गया कि अगर सिंगल इंट्रोगेटिव रहेगा तो इसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना है सहायक क्रिया, वो सहायक क्रिया हैज हो सकता है या तीसरा कोई नहीं होगा, या तो हैज होगा या तो है। अभी नहीं दे रहे सर, हमारा मन कर रहा है हैड लगा देंगे, अरे सर शैल भी लगा देंगे, का हो जाएगा, बड़े कुछ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई है किसी का दिमाग सनक गया, अरे कोई काम होना नहीं है, कहा जाओ छत पर कूदते हैं, पता चले कोरोना में ऐसी हालत खराब है, पैसों नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल नहीं रह जाएगा। इसलिए आप एक एक वर्ड को समझ करके और क्लियरिटी के साथ किसको काम कैसे लिखना है ये दिमाग में होना चाहिए। ओके, तो हैज या हैव, ओनली हैज या हैव, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा, मुख्य क्रिया का तीसरा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में ये मिस्टर क्वेश्चन वर्ड को जरूर लिखेंगे। ये प्रश्नवाचक शब्द है और अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इसको लगाते हैं, क्योंकि ये देखने बहुत छोटा होता है लेकिन याद रखिए बहुत आपको सपोर्ट करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं तो हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू। आप कहिए कि सर शुरू में तो सहायक क्रिया है, मे इज द हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आर ऑक्सिलरीज, तो ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो हम नए इंट्रोगेटिव है। फिर आप क्वेश्चन कर दीजिएगा कि सर मे आई कम इन, तब तो ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, ये इंट्रोगेटिव है लेकिन ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्लेस है। क्यों? कि दोनों के अंतिम जो चिन्ह है वो अलग अलग है, वो अलग अलग है, इसीलिए कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है, हो जाएगा। एनी डाउट? ओके, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या भारतीय टीम मैच जीत चुकी है, क्या भारतीय टीम मैच जीत चुकी है। इसमें कर्ता हमारा भारतीय टीम, मुख्य क्रिया है जीतना, मैच है ऑब्जेक्ट, और ये चुका चुकी चुकी उसकी आइडेंटिफिकेशन है, और क्या सिंगल इंट्रोगेटिव का सूचक है, प्रश्न है। इसलिए हम बनाएंगे हैज इंडियन टीम
ओन द मैच। याद रहेगा क्या आईपीएल मैच शुरू हो चुका है? क्या आईपीएल मैच शुरू हो चुका है? इसका हो जाएगा हैज आईपीएल मैच स्टार्टेड। हैज आईपीएल मैच स्टार्टेड। तो अब बोले सिंगल इंडिकेटिव, कोई दिक्कत है? ओके, बस कर्ता आपको ध्यान रखना है और कर्ता के पहले आपको लगा देना है सहायक क्रिया। इसमें से इंडियन टीम सब्जेक्ट है, इसमें से आईपीएल जो मैच है वो सब्जेक्ट। बोलिए यहां कोई दिक्कत? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थात अब आप ये समझ लीजिए कि हमने सिंगल को फिनिश किया। अब हम लोग आगे देखते हैं। या अगर मान लिया कुछ सेंटेंसेस हो जाएगा, यही कुछ बोले भाई ये सेंटेंस है Have they seen the Taj Mahal? किसी का बिंदी निकालिए क्या होगा? Have they seen the Taj Mahal? तो हम बोल देंगे कि क्या? Have मतलब क्या? Have they seen the Taj Mahal? क्या वे लोग ताजमहल देख चुके हैं? क्या वे लोग ताजमहल देख चुके हैं? या क्या वे लोग ताजमहल देखे हैं? ये भी हो जाएगा। Has your father taken tea in the morning? अर्थात हैज योर फादर, क्या तुम्हारे पिताजी टेकन टी चाय पी चुके हैं या चाय पी लिए हैं? इन द मॉर्निंग सुबह में, क्या तुम्हारे पिताजी सुबह में चाय पी लिए हैं? तो अब बोले सिंगल इंडिकेटिव, अब कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ओके नाइस, आगे देखते हैं। अ स्ट्रक्चर फॉर डबल इंडिकेटिव। अब बात आप पढ़िए वैसे सेंटेंसेस का जब प्रश्न वाक्य के बीच में रहेगा, मिडिल में रहेगा, तो इसका अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे? तो भाई देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो पूरे सेंटेंस का एक अलग वर्ड है, इसलिए अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को देखें। कैसा हो सेंटेंस हो, अगर प्रश्नवाचक है किसी भी टेंस का है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया। जस्ट यही नियम जो हम सिंगल का बताएंगे, क्वेश्चन वर्ड सहायक क्रिया है, क्या है प्लस सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। अगर आपके मन में कोई डाउट हो कि सर अदर वर्ड क्या होता है, उसको हिंट कर दीजिए। तो अदर वर्ड का मतलब ये होता है वैसे शब्द जो किसी टाइम को दिखाते हैं या किसी प्लेसेस को दिखाते हैं या अक्सर जो प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा होता है। जैसे राम सीता के साथ बन गए, तो सीता के साथ किस साथ प्रीपोजिशन है, दिस इज द अदर। राम ने रावण को धनुष के साथ मारा विथ बो, बो मीन्स धनुष होता है, अरुण स्त्री होता है, तो वो जो हुआ प्रीपोजिशनल वर्ड उसको लास्ट में रखेंगे अदर वर्ड। अगर दो तीन चार अदर वर्ड अगर एक साथ आ जाते हैं तो हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ये हमारा सरकारी नियम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलिए एनी डाउट? तो एग्जांपल करके देखते हैं। वे लोग सुबह में गेंद कैसे खेले हैं या खेल चुके हैं? अगर आपके सेंटेंस रहेगा कि वे लोग सुबह में गेंद कैसे खेले हैं या कैसे खेल चुके हैं, तो आपको हल्ला गुल्ला करने जरूरत नहीं है कि सर जी हिजा है खेले हैं, हिजा है खेल चुके हैं, हम क्या करेंगे, सरकार मुर्दाबाद या कोचिंग क्लास जिंदा, ये नहीं करना है। बस चुपचाप समझना है कि भैया दोनों एगुड़े हैं, जैसे जो लॉकडाउन का सिलसिला इसमें देख रहे हैं ना, वो दोनों एगुड़े हैं। जैसे पोस्टल का था वही सिस्टम इस साल का भी है, शुरू में 5 दिन 6 दिन उसके बाद बढ़ेगा 7 बजे तक दुकान खुलेगा, उसके बाद क्या क्या होगा आप देखते रहिए, हम नया नया थ्योरी आते रहेगा और आपको बस फॉलो करना है, वहां से नियम बन के आएगा और हम लोग क्या करेंगे, बस फॉलो करेंगे क्योंकि हमारे पास तो कुछ पावर है नहीं। ओके, तो जस्ट लाइक दिस, अर्थात वे लोग सुबह में गेम कैसे खेले हैं या खेल चुके हैं। हाउ हैव दे प्लेड बॉल इन द मॉर्निंग। अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड हाउ सहायक क्रिया, हैव दे प्लेड बॉल इन द मॉर्निंग। अब आप क्वेश्चन करिए कि सर यहां पर हम हैव लिखे हैं, आप क्या हम हैज नहीं लिख सकते हैं? आखिर हैज लिखेंगे तो गलती कैसे हो जाएगा? तो भैया बचवा बाबू, आप जो कुछ भी हो
आप ये समझ लो कि जो शुगर का मरीज है उसको रोग ले जाकर रसगुल्ला तो क्या कहेगा, भैया हमको डॉक्टर फलाना डॉक्टर माना किया है, हम शुगर का पेशेंट है, हमको नमकीन ले आओ। का ले आओ? नमकीन। तो वैसे ही क्या बोलेगा कि भैया इसका जो करता है वो बहुवचन है, अब बहुवचन का करता है तो इसके साथ सहायक क्रिया जाएगा, वो बहुवचन का ही आएगा, इसलिए देह के साथ अब हैस कभी नहीं लगाएंगे तो डायबिटीज का मरीज हो जाएगा, अर्थात देह के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पर ही होता, सी होता, इट होता तो शौक से दिल खोल के लगा देते, क्या सहायक क्रिया। उसके बाद ये परमानेंटली है मुख्य क्रिया का तीसरा, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे सिंगल इंटरोगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, कैसा हो सेंटेंस, इफ दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी शैल राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन। बोलिए, एनी डाउट? फाइन, आगे देखते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन टेंस रहेगा तो बोलिए मैं यूज तो आप बना सकते हैं, पहले मैं करके देखते हैं। मान लीजिए वह सुबह में विद्यालय कैसे आ चुका है, वह सुबह में विद्यालय कैसे आ चुका, मान लीजिए यही सेंटेंस है, वह सुबह में विद्यालय कैसे आ चुका है, डबल इंटरोगेटिव है, क्यों है, क्योंकि इसमें प्रश्न लगा हुआ है और प्रश्न कहां लगा हुआ है, सेंटेंस के बीच में। अंग्रेजी बनाते हैं, सबसे पहले ब्रह्मास्त्र मिसाइल को उठाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ बोलिए, एनी डाउट? उसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया देखने के लिए हम इसका सहारा लेंगे, भैया चुका चुकी है तो हैज या है भी लगेगा, अब हैज होगा कि हैव होगा इसको क्लियर इसका मिस्टर कर्ता करेंगे, कर्ता कौन है, वह ही है, एक वचन इसको हाउ हैज, बोलिए एनी डाउट, करता हो जाएगा कि हाउ हैज ही कम टू अ स्कूल इन द मॉर्निंग, बोलिए कोई दिक्कत, अर्थात वह सुबह में विद्यालय कैसे आ चुका, अगर ये बताता आज, वह आज सुबह में विद्यालय कैसे आया है, लॉकडाउन तो लगा हुआ है चारों तरफ बंद बंद बंद, फिर वो कैसे आया, आ गया होगा कोई सम, वह सुबह में विद्यालय कैसे आया है या कैसे आ चुका है, तो आज अगर हम मान हम लिख देते हैं तो हम लिखेंगे आज भी एक अदर वर्ड है, लास्ट में लगा सकते हैं इन द मॉर्निंग टूडे या टूडे इन द, अर्थात हो जाएगा हाउ हैज ही कम टू अ स्कूल इन द मॉर्निंग टूडे। अगर आपको दिमाग में ऐसा हुआ कि सर एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन ए भी है, प्रीपोजिशन ए भी तो लगाया जाता है, दो का इससे भी अधिक लगाए जा सकते हैं, तो अब बोलिए डबल इंटरोगेटिव, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, ओके नाइस, अब लोग आगे बढ़ते हैं। अ स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, कहने का मतलब यह है कि आपको हम क्लियरली बताते हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव मतलब समझिए क्या, ये बीच वाला ब्रोकर, आप नाम सुने हैं ब्रोकर मीन्स दलाल, जैसे मान लो किसी का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है उसको सेलिंग करवाना है, तो मान लीजिए ये फर्स्ट व्यक्ति है, इसका प्रॉपर्टी है, सेकंड व्यक्ति को बेचना है, ये बीच में आएगा मिस्टर ब्रोकर जिसको बोलते हैं दलाल, तो क्या लगता है इसको कुछ नहीं बेटाएगा, देना ही पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कि जैसे कीजिए, तो वही है अगर सेंटेंस में नेगेटिव आ गया तो नॉट को भी अरेंज करेंगे और प्रश्न को भी अरेंज करेंगे, कैसे, तो नॉट को जब भी लिखेंगे तो कर्ता के कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य हो तो नॉट को कर्ता के बाद, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल, तुम अभी तक खाना क्यों नहीं खाए हो, तुम अभी तक खाना क्यों नहीं खाए हो,
तो अगर ऐसा सेंटेंस हो जाए तो हम बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई हैव यू, वाई हैव यू, उसके बाद नॉट ईटन फूड, वाई हैव यू नॉट ईटन फूड टिल नाउ, मतलब टिल नाउ मीन्स अभी, तुम अभी तक खाना क्यों नहीं खाया। हाँ थोड़ा सा हिंट करें, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन हो कि सर यहाँ पर हैज लगाए हैं, मेरे हिसाब से हैव होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यू दिखाई दे रहा है, तो आप गलत देख रहे हैं, यू नहीं है भैया, योर है। और योर के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो ये केस में पोसेसिव एडजेक्टिव है, और पोसेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव विशेषण, और विशेषण जब भी रहेगा तो अपने खानदानी नाउन के साथ हमेशा रहेगा, इसलिए हम जल्दी से आई क्रिया का प्रयोग करेंगे तो नाउन को देख कर करेंगे, यहाँ पर नाउन फादर है इसलिए हैज का, इसका प्रयोग करेंगे हैज का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे व्हाई हैव यू नॉट ईटन फूड टिल नाउ, ये जो नॉट है कहाँ आया, कर्ता के। तो अब बोलिए कोई डाउट है, तो ऐसे ही कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, ऐसे मान लो वह गेंद क्यों नहीं खेल चुका है, तो व्हाई Has he not played ball? तुम आज घर क्यों नहीं आए हो? तुम आज घर क्यों नहीं आए हो? तो why have you not come to house today? तुम घर क्यों नहीं गए हो? तुम घर क्यों नहीं गए हो? Why have you not gone to house? तो बोलिए अब any doubt? सिंगल क्या होता है, डबल क्या होता है, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। ओके थैंक यू। और अब थोड़ा सा लोग और कुछ इसका विशेष पार्ट को देख लेते हैं कि सर इसमें भी क्या कुछ होता है, हम लोग कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ऐसे सेंटेंस भी आ रहा है हमको फोर या सिक्स लगाना पड़ जाता है। तो देखिए आपको हम इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी फोर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। एकदम लिख लीजिएगा इसको पत्थर की तरह, पत्थर के लकीर की तरह, क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा भी अन्य टेंस में भी फोर या सिंस का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात इसमें थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, क्या जब वाक्य की क्रिया से, क्योंकि क्रिया एक्शन करेगी, जब वाक्य की क्रिया से यह स्पष्ट हो कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी चल रहा है, अभी जारी है और कभी कभी ऐसा है अभी भी समाप्त हुआ है, तो ऐसे वाक्यों को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से बना सकते हैं। जैसे मैंने सुबह से काम नहीं किया है, मतलब मैंने सुबह से लेकर अभी तक नहीं किया, अभी हम नौवे में है, पता नहीं कब होगा भगवान से, लेकिन फिर भी मैंने सुबह से काम नहीं किया है, आई हैव नॉट वर्क्ड, या चाहे डन भी लिख सकते हैं, वर्क को नाउन मान सकते हैं, अर्थात आई हैव नॉट डन द वर्क सिंस मॉर्निंग, या आई हैव नॉट वर्क्ड सिंस मॉर्निंग। बोलिए कोई डाउट, वह 2 बजे से घर नहीं गया है, सिंपल सेंटेंस, वह 2 बजे से घर नहीं गया, वो 2 बजे से और अभी तक गायब है, तो इसका हो जाएगा ही हैज नॉट गॉन टू हाउस, ही हैज नॉट गॉन टू हाउस टिल नून, या 2 बजे तक सिंस 2 o'clock, सुबह तक या सुबह से सिंस मॉर्निंग, अर्थात वह सुबह से अभी तक घर नहीं गया है, तो ही हैज नॉट गॉन टू हाउस टिल नाउ सिंस मॉर्निंग। तो बोलिए एनी डाउट, हाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन कहीं दिमाग में कहीं हैंग करने लगा, अरे सर जी ही का बता दिए, तब तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग प्रेजेंट पर कंफ्यूजन रह जाएंगे जिंदगी भर, तो नहीं ऐसा खबर है ये बोल हम है तो का कम है, अर्थात कहने का मतलब कि वह नीचे हमने लिख दिया क्लियर, बट परंतु वह सुबह से काम नहीं कर रहा है, मतलब वह सुबह से काम नहीं करते आ रहा है, तो इसके क्रिया में से क्या लगा, कोई अंतर नहीं है, है बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर ये इसके अंत में लगा चुका चुके चुके या
या है ये लेकिन यहाँ पर आ गया रहा रही। अगर इसमें आ रहा का सेंस छिपा हुआ है, वह सुबह से काम नहीं करते आ रहा है, he has not been working since। जैसे एक हम और एक एग्जांपल, वह 2 बजे से 4 नहीं पिया है, तो आप बताइए किसमें होना चाहिए, V3 में होना चाहिए या V4 में? तो आप कहिए कि नहीं सर, अंतिम में तो लगा है पिया है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन ही नहीं बनता, वही रहता वो सुबह से चाय नहीं पी रहा है, चाय नहीं पी रहा है कंटिन्यूटी, तो हम फेंकते परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यहाँ पर वह 2 बजे से चाय नहीं पिया है, इसका हो जाएगा ही हैज नॉट टेकन टी सिंस मॉर्निंग। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये है टोटल वीडियोस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बार हम कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फोर और सिंस का जिक्र किया जाएगा कि कहां पर फोर लगाएंगे और कहां पर सिंस, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे तक कंफ्यूजन में रह जाते हैं और एग्जाम अच्छे अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, सिंपल रहेगा बट फोर और सिंस की वजह से हम लोग गलती कर देते हैं। तो चलिए ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन हम चाहेंगे आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप कुछ भी वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ उन बातों को शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपका जहां तक जैसा भी होगा रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो दैट्स लास्ट फॉर टुडेस क्लास, एंड आई होप टू एवरीवन बी हैप्पी एट योर हाउस विद योर फैमिली। That's last. Thanks to all of you.